पुरी का महल, राजा जनक इसी महल में रहते थे, सीता माता जो थी वो यहीं पली बड़ी थी, ये वही महल है। ये है महल में अंदर जाने का गेट। अभी हम जा रहे हैं अंदर और देखते हैं महल में कैसे मंदिर हैं या कैसा है महल। तो ये देखो बहुत बड़ा महल है। ये इसी महल में सीता माता, सीता महारानी या जनक नंदिनी, जो भी आप बोलना चाहें वो बोल सकते हैं, उनका वो इसी महल में खेली थी, इसी महल में बड़ी बड़ी थी और इसी महल में से उनका विवाह हुआ था। ये इधर से मेन गेट है। महलों में वैसे भी बहुत जगह से गेट होते हैं साइडों से। और ये जस्ट सामने है मैन मंदिर। कितना मंदिर देखते हैं हमें। अंदर फोन ले जाना अलाउ नहीं है इस मंदिर में। बाहर से ही देखिए आप महल पूरा। मंदिर के बाहर इसमें चारों भाई और सीता माता और उनकी तीनों बहनें विराजमान हैं और जनक जी विराजमान है इस मंदिर में अंदर, मतलब महल के अंदर जो मंदिर है उसमें। काफ़ी बड़ा महल है, घूमने में अच्छा लगता है। ये देखिए सामने कुछ लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। चित्र के माध्यम से पूरा बताया गया है। इसका चार्ज है 10 रुपये एक जने का अंदर जाने का। तो हम अंदर जा रहे हैं, फिर अंदर देखते हैं। और ये हम टिकट लेकर ऊपर जाते हुए। ये देखिए ये सीता माता जनक जी के खेत में मिली थी, ये वो बताया है। और जनक जी उसको हाथ में ले रखा है। हाँ ये देखिए यहाँ पे बधाई के गाने हो रहे हैं। ये सीता माता को ले रखा है उनकी, द्वार का जाल चल रहा है, झांकी लगा ना, ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो ये देखिए इसमें जनक जी गोदी में बिठाल कर सीता माता को खिलाते हुए। ये देखिए सीता माता की माता सुनैना माता उनको लोरी सुना रही है इसमें। ये देखिए गोदी में सीता माता को लिटाकर वो सुलाने की कोशिश कर रही है। यहाँ से बाहर निकलते ही बहुत अच्छी हवा चल रही है। और ये है बालकनी, बहुत प्यारी लग रही है। यहाँ से पूरा मंदिर देख सकते हैं आप, बहुत अच्छा दिख रहा है। तो ये है पुष्प वाटिका और ये देखिए अंदर। पर हो रहा है धनुष मायक, मतलब इसमें धनुष तोड़ा था श्री राम जी ने, वो दर्शाया गया है। ये देखिए बहुत ही प्यारे प्यारे दृश्य हैं, झांकी टाइप की बना रखी है। ये देखिए सीताराम विवाह, ये यहाँ पर माता सीता और श्री राम जी का विवाह हो रहा है। ये देखिए फेरे हो रहे हैं यहाँ पर श्री राम और जानकी माता के। ये देखिए बहुत प्यारा लग रहा है। यहाँ से आगे कुछ नहीं है, तो यहाँ से दूसरी जगह जाना होगा। तुलसीदास जी द्वारा रामायण वचन। देखिए इस वाली बालकनी से पूरा महल दिख रहा है और मौसम हो चुका है बहुत ही ज़्यादा अच्छा। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा प्यारा, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। मैं नीचे दिखाती हूँ आपको एरिया। ये देखिए ये पूरा महल का प्रांगण, जिस महल में कभी सीता माता घूमा करती थी उस महल में आज हम लोग देखने के लिए, हमें सौभाग्य मिला ये महल देखने का, बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। ये देखिए बहुत ही प्यारा महल है। ये है मेन गेट, बहुत प्यारा लग रहा है। अब आगे चलते हैं, कहाँ जाना है। पुराने आभूषण हैं जानकी माता के। ये देखिए
लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये है जानकी माता के पास, यहाँ पर लिख रहा है। ये पुराने ऋषि मुनि हैं, उनके नाम नहीं लिखे हुए हैं, या लिखे हुए हैं छोटे छोटे अक्षरों में, देख सकते हैं आप, उन पर मैंने जूम नहीं किया। ये है बाहर जाने का रास्ता, इधर हम लोग जा रहे हैं बाहर। महल का एग्जिट गेट, मतलब बाहर निकलने का गेट, तो हम जा रहे हैं अब महल के बाहर। मैं एक बार और आपको बाहर से महल दिखाती हूँ। ये हम शायद हमने एंट्री दूसरे गेट से नहीं, इसी से एंट्री की थी, सॉरी। पूरा महल दिखाती हूँ अभी एक बार और, ये देखिए है जनक जी का महल, जनक जननी सीता माता का घर, श्री रामचंद्र जी की ससुराल। तो ये था जनक नंदनी सीता माता का महल, आप लोगों ने देख लिया होगा। और जैसा कि आपने, मैंने पहले, इससे पहले जो जनकपुरी का ब्लॉग बनाया था उसमें मैंने यहाँ के तीन तलाओं के बारे में बताया था जिनकी बहुत महत्व है, जिनको मैंने लास्ट ब्लॉग में दो तला बता दिए हैं। तो जो नेक्स्ट आप लोग वो वाला देखिएगा ब्लॉग, जिसने नहीं देखा है, वो दो तला की महत्व और उसमें बहुत से मंदिर भी हैं। तो अब जो नेक्स्ट ब्लॉग रहेगा उसमें से जो थर्ड नंबर का तालाब कहा जाता है और उसकी ये कहानी है, ऐसा कहा जाता है कि श्री राम जी ने पैर मार कर वहाँ से पानी निकाला था, तब वहाँ पे पानी निकला था, और वहाँ पे होती है एक भव्य आरती जो कि मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगी। और वो आरती बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि वहाँ एक जनकपुरी का सॉन्ग है जो सिर्फ हमने जनकपुरी में ही सुना है, अभी तक कहीं पर भी नहीं सुना। तो आप लोग वो सुनिएगे, नेक्स्ट ब्लॉग आप लोग ज़रूर देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इस वाले को भी शेयर करें, और इससे पहले वाला भी देखिएगा, उसमें भी मैंने जो है मंडप बताया था, श्री राम जी और माता जानकी का यहाँ पर विवाह हुआ था वो। और आगे बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आने वाले हैं, देखिएगा ज़रूर, और लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा।